चीनी साजिश का आसमानी इलाज होना अब तय है। चीन की चालबाजी के आसमानी सबूत भारत को मिले हैं। चीन ने सामरिक तौर पर महत्वपूर्ण डोकलाम में एक गांव बसाने के साथ 9 किलोमीटर लंबी सड़क बनाई है, लेकिन हिंदुस्तान ने चीन की गर्दन मरोड़ने का पक्का प्लान बनाया है। जल्द चीन का आसमानी इलाज होने वाला है। चीनी साजिश का हिंदुस्तान देगा मुंहतोड़ जवाब। भूमाफिया जिनपिंग को नसीब नहीं होगी 2 गज जमीन। विस्तारवाद का अंत तय है। आज पूरा विश्व विस्तारवादी ताकतों से परेशान है। विस्तारवाद एक तरह से मानसिक विकृति है और 18वीं शताब्दी की सोच को दर्शाता है। चीन के तानाशाह जिनपिंग को भूमाफिया बनने का भूत सवार है। लेकिन अब हिंदुस्तान इस भूत को उतारेगा। चीनी साजिश का आसमानी इलाज। सैटेलाइट से ली गई इन 2 तस्वीरों को जरा गौर से देखिए। इन्हीं तस्वीरों से जिनपिंग की साजिश का पर्दाफाश हुआ है। एक तस्वीर में आप देख सकते हैं कि डोकलाम के पांगड़ा गांव में कोई निर्माण नहीं दिख रहा, लेकिन दूसरी तस्वीर में गांव बसा हुआ दिख रहा है। चीन ने यहां बंकर और पक्के निर्माण भी कराए हैं। पहली तस्वीर 8 दिसंबर 2019 की है, जबकि दूसरी तस्वीर 28 अक्टूबर 2020 की है। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि चीनी साजिश का ये गांव भारत की सीमा से लगने वाली भूटान की सीमा में 2 किलोमीटर के भीतर पड़ता है। चीन के कथनी और करनी में अंतर है। चीन विस्तारवाद में लगा हुआ है। चीन सोचता है कि वो भूटान के ऊपर भी दबाव डालेगा, जिससे कि भारत और भूटान के बीच जो सुरक्षा की संधि है उसमें भी वो दरार आ जाए। चीनी साजिश की सड़क। चीन ने इस बीच डोकलाम में टोरसा नदी के किनारे 9 किलोमीटर लंबी सड़क भी बना ली है। साजिश की यह सड़क चीनी सेना को जंपेलरी रिज तक आसानी से पहुंचा सकती है, जिससे चिकन नेक को खतरा पैदा हो सकता है, जिसका सीधा मतलब यही है कि पूर्वोत्तर भारत के राज्यों को भारत की मुख्य भूमि से काटने के प्लान पर चीन काम कर रहा है। इनकी रणनीति समझने की जरूरत है कि अलग अलग फ्रिक्शन पॉइंट्स पे अलग अलग वो दबाव डालने की कोशिश कर रहा है कि इतना दबाव डालने से हिंदुस्तान नेगोशिएटिंग टेबल पे अब दबाव में आ जाए और ये मान ले कि माउंटेन टॉप से वो खाली करने के लिए तैयार है। जिनपिंग को 2017 को नहीं भूलना चाहिए, जब भारतीय सेना ने उसकी विस्तारवाद की तमाम महत्वाकांक्षाओं को डोकलाम में 22 दिन के संघर्ष के बाद दफन कर दिया था। अगर चीन नहीं सुधरा, अगर जिनपिंग ने विस्तार की जिद नहीं छोड़ी, तो फिर उसे अक्साई चीन के अलावा तिब्बत से भी भागना पड़ सकता है, क्योंकि हिंदुस्तान ने दुश्मन को मार भगाने की तैयारी पूरी कर ली है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और चलिए इसी अहम खबर से जुड़े कुछ ग्राफिक्स आपको दिखाते हैं। चीनी चाल जिनपिंग का काल कैसे बनेंगे। डोकलाम में चीन ने 9 किलोमीटर लंबी सड़क बनाई। चीन की सड़क विवाद वाले पॉइंट से सिर्फ 10 किलोमीटर दूर है। 2017 में भारतीय फौज ने यहां रोक दिया था चीन को। यह इलाका सिक्किम और डोकलाम के बीच पड़ता है। डोकलाम में चीन ने 500 मीटर सुरंग भी बनाई। ठंड में डोकलाम बर्फ से ढक जाता है। और अब वो खबर जिसे देखकर आप हैरान रह जाएंगे। रूस में एक 2025 किलोमीटर लंबा हाईवे है जो पश्चिम से पूरब को जोड़ता है। इस हाईवे के निर्माण में बालू के साथ 10 लाख इंसानों की हड्डियों का इस्तेमाल किया गया है। रिपोर्ट देखिए।
और इसी के साथ यहाँ पर रुक रहे एक बहुत छोटे से ब्रेक के लिए, लौटेंगे कुछ और बड़ी खबरों के साथ, बने रहिए हमारे साथ। मैं हूँ या घर पर, अब होगी हर खबर आपके हथेली पर। ऐप स्टोर में जाएं और डाउनलोड करें जी हिंदुस्तान ऐप। 5 भाषाओं में चुनें अपनी पसंद की भाषा। जी हिंदुस्तान के लाइव टीवी पर कीजिए क्लिक और देश दुनिया की हर खबर पर रखिए 24 घंटे अपनी नजर।